Hello everyone, in this video we will talk about our second topic, that is expressivity. So first of all, what is expressivity and how we can define it? Expressivity is defined as an extent to which a given genotype is expressed phenotypically in an individual, or you can say degree to which trait expression differs among individuals. अब इस डेफिनेशन को ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो ब्राउन हेयर कलर है उसके डिफरेंट शेड्स प्रेजेंट हैं. कुछ लोगों के जो बाल हैं वो डार्क ब्राउन होते हैं और कुछ के आपको नज़र आएंगे लाइट ब्राउन. इसी तरह कुछ लोगों के बाल जो हैं वो जिंजर ब्राउन होते हैं. अब फर्ज कर लें कि जो ब्राउन हेयर कलर है या जो पिगमेंट फॉर ब्राउन हेयर कलर है इसे कोट करता है एलील जी. अब अगर हम इस एग्जांपल को एक्सप्रेसिविटी की डेफिनेशन से लिंक करें तो किस तरह आपको यानी कि डिफ़ाइन करेंगे, वो ये है कि एलील जी जो है, ये जो जीनोटाइप है, ये किस हद तक फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करेगा अपने आप को एक इंडिविजुअल के अंदर, वो आपके पास क्या है एक्सप्रेसिविटी. ये एक्सप्रेशन की वजह से ही जो है वेरिएशन, एक्सप्रेशन की वजह से ही क्या है आपके पास ब्राउन हेयर कलर के डिफरेंट शेड्स आते हैं. इसी तरह अगर आप ग्रीन आइज़ देख लें, ब्राउन आइज़ देख लें, वो भी एक दूसरे से शेड्स में डिफ़र करती हैं. ये सारा किसकी वजह से, एक्सप्रेसिविटी की वजह से है. अब आगे हम इसकी रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है. पहला रीज़न ये है कि एलीलिक कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इसका सेकेंड रीज़न है, मेजर रीज़न, वो क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अब हम अगर हम एक एग्जांपल देखें ह्यूमंस के रेफरेंस से तो आपको ये बात ज़्यादा क्लियर होगी. ह्यूमंस में एक सिंड्रोम होता है मार्फन सिंड्रोम. ये मार्फन सिंड्रोम जो है ये वेरी करता है वाइडली, और इसकी वजह ये होती है कि डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाती है FBN1 जीन में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फिब्रिलिन 1 के प्रोडक्शन के लिए. अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँ कि फिब्रिलिन 1 जो है वो क्या है और क्यों चाहिए होता है ह्यूमन बींग्स में, तो क्या है, फिब्रिलिन 1 जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, और दूसरा ये कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कैल्शियम बाइंडिंग माइक्रोफिब्रिल्स का. ये जो कैल्शियम बाइंडिंग माइक्रोफिब्रिल्स है ना, ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोवाइड करते हैं इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ को. और अगर हम थोड़ी सी बात कनेक्टिव टिश्यूज़ के हवाले से करें तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं ये ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं और बाइंड करते हैं टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ. अब क्या है कि मार्फन सिंड्रोम जो है इसके सिम्टम्स जो हैं, इसका जो जीनोटाइप है ये डिफ़र करता है फिनोटिपिकली अपने एक्सप्रेशन में इंडिविजुअल्स में. कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होगा, माइल्ड सिम्टम्स आपके पास होंगी और कुछ में जो है वो डेडली सिम्टम्स होंगी. अच्छा, जिन लोगों में माइल्ड सिम्टम्स हैं उनमें क्या होगा कि उनकी जो है हाइट टॉल होगी उनके, और वो थिन होंगे. दूसरा ये कि उनके जो फिंगर्स हैं वो लॉन्ग और स्लेंडर होंगी. लेकिन जिनमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिनमें जो डेडली सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें हार्ट का साइज़ जो है वो लार्ज हो जाएगा, ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो जाएंगे, मतलब कि वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस उनमें होती हैं. अब आपने यहाँ पर देखा कि एक ही जो सिंड्रोम है उसका जो जीनोटाइप है उसने यानी कि डिफरेंटली अपने आप को एक्सप्रेस किया है इंडिविजुअल्स में, मतलब उसके जो एक्सप्रेशन में जो है वेरिएशन है, फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन में जो है वेरिएशंस हैं. अच्छा, अब हम अगर इसे सम अप करें, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, जो है पेनिट्रेंस. अगर हम दोनों चीज़ों को, पेनिट्रेंस एक्सप्रेसिविटी को सम अप करें, तो पहला ये है कि यहाँ पर आपके पास फर्स्ट दो इंडिविजुअल्स हैं, एक आपको डार्क ब्लू में नज़र आ रहा है और एक वाइट में. इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज़ करें तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस ये था कि अगर आपके पास जो है जो परसेंटेज है पेनिट्रेंस की, वो लेस दैन 100% है, मतलब कि इंडिविजुअल्स जो हैं, सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपना जीनोटाइप जो है फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो वो आपके पास क्या है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस. यहाँ पे आपको ये जो 6 नज़र आ रहे हैं इसके अंदर क्या है कि ये जो ब्लू वाले हैं इन्होंने फिनोटिपिकली एक्सप्रेस किया है और वाइट वालों ने नहीं किया, तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है. इसके बाद आपके पास वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी है. इसे अगर हम समराइज़ करें तो ये होता है कि आपका एक ही जीनोटाइप जो है वो कैसे डिफरेंटली फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में. उसके बाद दोनों चीज़ें जो है, अगर उन दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि जो वाइट वाले हैं यहाँ पे एक तो पहली बात यह है कि एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ जो है फिनोटाइप, मतलब वो है आपके पास पेनिट्रेंस. इसमें जो जिन्होंने कलर्ड हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया है, वाइट वालों ने एक्सप्रेस नहीं किया. और सेकंड चीज़ आ जाती है एक्सप्रेसिविटी. जिन्होंने एक्सप्रेस किया है तो उन्होंने किस एक्सटेंट तक, किस हद तक अपने आप को एक्सप्रेस किया है फिनोटिपिकली, वो आपके पास क्या है, एक्सप्रेसिविटी. आई होप कि जितना मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है वो आपको समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा. और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अल्लाह हाफिज़.